सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं तुहाडा पंजाबी खबरों के इस ताज़ा बुलेटिन दे विच। देश विदेश दे पंजाब दे नाल जुड़ियां खबरां तुहाडे लई लैके फिर तो हाजिर होए हां। सुप्रीम कोर्ट दा पुलिस राज दे बयान, कहा मनमानी तरीके नाल होण वालियां गिरफ्तारियां बस्तीवादी मानसिकता नूं दर्शाउंदियां ने। सुप्रीम कोर्ट ने देश च मनमानी गिरफ्तारियों ते चिंता प्रगटाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं अपील की है कि जांच एजेंसियों नूं दोषियों की बेलोड़ी गिरफ्तारी ना करने लई कानून बनाए। अदालत ने कहा कि मनमानी ते मनमानी तरीके नाल होण वालियां गिरफ्तारियां बस्तीवादी मानसिकता नूं दर्शाउंदियां अते अजिहा लगता है कि असीं पुलिस राज दे विच रहिंदे हां। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई है। पंजाब च 36,000 आरजी कामां नूं रैगूलर करना आसान नहीं है। सामने आ रही कानूनी अड़चना, पंजाब के 36,000 आरजी मुलाजमान नूं रैगूलर करना भगवंत मान सरकार लई आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में अजे भी कई कानूनी अड़के आ रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अगवाई के हेठ बनी कैबिनेट सब कमेटी की पहली मीटिंग में भी यह मुद्दा विचारिया गया सी, पर कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। कैबिनेट सब कमेटी की जिहड़ी पहली मीटिंग है बिना किसी नतीजे उत्ते पुज्जे खत्म हो गई। मीटिंग च सुप्रीम कोर्ट से चल रही उमा देवी के मामले पर लंबी चर्चा हुई। उत्थे हाई कोर्ट से चल रहे कई मामलों दियां कमियां उत्ते भी विचार किया गया है। अगली खबर, तस्वीरां उत्ते ट्विस्ट बसां उत्ते PRTC तो मंजूरशुदा इश्तहार या स्लोगन ही लगनगे। पंजाब दियां सरकारी बसां च बिना मंजूरी कोई तस्वीर या इश्तहार नहीं लगेगा। पंजाब सरकार का स्पष्टीकरण सामने आया जिस विच महकमे दियां हदायतां बरकरार हन, जिस विच कहा गया कि PRTC तो मंजूरशुदा इश्तहार या स्लोगन ही लगनगे। 16 मई नूं PRTC दे जनरल मैनेजर ने हदायतां जारी कीतियां सी। हदायतों मुताबक बिना मंजूरी किसी भी धर्म नाल संबंधित तस्वीर नहीं लग सकती। बसां च नहीं लगनगियां पिंडरां वाले अते हवारा दियां तस्वीरां। अगली खबर, राघव चड्ढा नूं सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाउण दा मामला अदालत दे विच पहुंचिया। पंजाब सरकार वालों बनाई गई अंतरिम सलाहकार कमेटी विवादों के विच घिरदी नज़र आ रही है। पंजाब तो राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा नूं सलाहकार कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करन दा मामला पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के विच पुज गया। इस नियुक्ति खिलाफ एडवोकेट जगमोहन पट्टी ने हाईकोर्ट के विच पटीशन दायर की है। इस नियुक्ति नूं गैर संविधानक दसदिआं रद्द करन दी मंग की गई है। इस पटीशन के विच पंजाब सरकार वालों जारी नोटिफिकेशन नूं भी नजायज करार दिता गया है। मुफ्त बिजली उत्ते सरकार ने हटाई है शर्त, जनरल वर्ग के सिर्फ परिवार को 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। पंजाब 1 जुलाई तो सरकार ने प्रति बिल 600 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम के विच कुछ शर्त हटा दती हैं। इस तों बाद सिर्फ जनरल वर्ग के गरीबी रेखा तो हेठा परिवारों को 600 यूनिट मुफ्त मिलने। दूजे पास SC BC और आजादी गुलाटी परिवारों को हर बिल उत्ते 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस संबंधी सरकार ने बिजली विभाग के प्रमुख सकत्र नूं पत्र भेजे। आम आदमी पार्टी ने चोणां समय वादा किया कि जेकर सरकार बनी तो वह 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर घर नूं देणगे। सरकार बनदे ही 1 जुलाई तो सरकार ने मुफ्त बिजली का ऐलान किया। सिख विद्यार्थियों लई चंगी खबर है, ककारां समेत प्रीख्या दे विच बैठन की इजाजत मिली है। अमृतसर सिक्ख्या सिख विद्यार्थियों लई चंगी खबर है। विद्यार्थियों के हक में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सिख बच्चों ककारा समेत इश्तहार माफ करना इम्तिहान बैठन की इजाजत दे दी है। जानकारी अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकाबला इम्तिहानों सिख विद्यार्थियों के ककार नहीं लवाए जा सकते। यह धारणा करने कारण उन्होंने मुढ़ला हक है। यह प्रगटावा करते हुए दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका के जनरल सकत्र जगमीत सिंह कालों ने सांझे तौर पर कहा है कि जिक्रयोग है कि बीते साल 17 जुलाई में एक सिख बच्ची कृपान पहनन करके मुकाबला इम्तिहान दे विच बैठन तो रोक दिता गया सी। मान सरकार वालों लोगों को एक होर तोहफा दिता गया। PRTC दियां 219 नवीं बसा शामिल कीतियां जाणगियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार वालों जारी किए गए नवें बस रूटा परमिटां दे सनमुख PRTC वालों लोगों की सहूलत लई अपने बेड़े विच 219 नवीं बसा शामिल कीतियां जाणगियां। इस संबंधी जानकारी देंदे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इत्थे दस्सिया कि नवे रूटां लई PRTC नूं होर नवीं बसों की जरूरत है, जिस करके PRTC दे बेड़े विच 219 साधारण नवीं बसा शामिल कीतियां जाणगियां। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी प्रवानगी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान दे वल्लों दे दित्ती गई है। मंत्री ने दस्सिया कि किलोमीटर स्कीम का ओपरेटर बस मालक PRTC नूं मुकम्मल तौर पर नवीं बसा मुहैया करवावे। 2 अगस्त तक जिहड़ा टेंडर का काम मुक जाएगा।
पुत्र ने पिता नूं घोटना मार के मारिया। पहला पिछले साल मारी सी मां। नज़दीकी पिंड लखा विखे एक नौजवान वालों अपने पिता नूं बेरहमी नाल मार देने की खबर मिली है। पुलिस थाना हठूर दे मुखी SI हरदीप सिंह ने दस्सिया कि करम सिंह 25 साल पुत्र जगरूप सिंह वासी पिंड लखा ने अपने पिता जगरूप सिंह 55 साल पुत्र बीरू सिंह को जड़ा घोटना मार के कतल कर दिता गया। मृतक जगरूप सिंह के दूजे पुत्र करम सिंह के भरा दविंदर सिंह के बयान के आधार पर पुलिस थाना हठूर विखे मुकदमा दर्ज करके दोषी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दसाया कि उक्त व्यक्ति ने पिछले साल अपनी माँ को भी इसी तरह घर में मार मुकाया सी, जिस करके जेल में सी अते हुण बरी होकर आया सी ते साल बाद ही उसने अपने पिता को भी मार दिता। राशन कार्ड धारकों लिए एक चंगी खबर है। LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। वाधी महंगाई के विचकार आम आदमी लोगों लिए वड्डी खुशखबरी आ रही है। हुण तुहानू एक साल में 3 सिलेंडर लैण का मौका मिलने वाला है। दरअसल सरकार गरीबों की हर संभव मदद लिए कोशिश कर रही है। पहला सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन हुण मुफ्त गैस सिलेंडर देन जा रही है। सरकार के इस फैसले नाल लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। इस स्कीम के तहत तुसीं जिहड़ा है लोग जिहड़ा सिलेंडर की वरतों कर सकते हो। लाभपात्री खास तौर पर यह कनैक्शन अंतोदय राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर जिहड़ा मुफ्त मिलेगा। एक सूबे तो दूसरे सूबे च RC ट्रांसफर करवाना होया आसान। तुरंत एक सिंपल तरीका है उसकी गल करते हैं। जिवें गड्डी दे इंश्योरेंस दे बिना तुहानू सड़क उत्ते वाहन चलाउण दी इजाजत नहीं है, उस तरह किसी होर सूबे च RC ट्रांसफर करवाए बिना उत्थे गड्डी नहीं चला सकते। रजिस्ट्रेशन करवाए गए सूबे तो इलावा किसी होर सूबे च बिना RC ट्रांसफर के गड्डी चलाउंदे फड़े गए तो तुहानू भारी चलान का सामना करना पै सकता है। तुहानू सब तो पहला RTO तो NOC हासिल करनी चाहिए है, जिथे तुसीं शुरू तो अपनी गड्डी नूं रजिस्टर्ड करवाया। NOC प्राप्त करने तो बाद दूसरे सूबे जिथे पक्के तौर पर रह रहे हो उत्थों दे नेड़े दे RTO दफ्तर जाओ। ध्यान रखो कि RTO दफ्तर जाते समय अपने नाल जरूरी दस्तावेज लैके जाओ। उत्थे जिवें तुसीं अपने दस्तावेज जमा कराओगे तुहाडा RC दा काम मुकम्मल हो जाएगा। टेंट का बकाया लैण लई कांग्रसी लीडरां कोल धक्के खाण मजबूर होया साथी कांग्रसी टेंट मालक। पिछलियां लंघियां लोक सभा संगरूर जिमनी चोणां दौरान कांग्रस कमेटी ने उम्मीदवार दलवीर सिंह गोल्डी नूं चोण मैदान दे विच उतारिया सी, जिस नूं लैके जिला बरनाले दे तप्पा मंडी विच पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह रायवड़िंग ने कांग्रेस पार्टी दे चोण दफ्तर दा उद्घाटन कीता सी। उसे चोण दफ्तर विच तप्पा मंडी दे कांग्रेसी आगू दीपक कुमार वल्लों चोण दफ्तर दे विच टेंट दा सारा प्रबंध अपने कोलों कीता गया सी। कांग्रेसी आगू दीपक कुमार ने कांग्रेस पार्टी दे पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह रायवड़िंग तो मांग करदे कहा कि उन्होंने अपनी समुची टीम नूं नाल लैके दलवीर सिंह गोल्डी के हक के जिथे चोण प्रचार किए उत्थे टेंट लाया गया सी, जिसका 10/6/22 तो लैके 23/6/22 तक का कुल बिल 47,400 बनता है। हले तक जिहड़ा उस नूं बिल की अदायगी नहीं की गई है। रेलवे में 12वीं अते ग्रैजुएट लई बंपर भर्ती हुई है। जानकारी तुहानू दे दिए कि रेलवे भर्ती सैल पछमी मध्य रेलवे ने वक्त NTPC लिए नौजवानों लिए नौकरी का सुनहरी मौका कढ़िया। उम्मीदवार रेलवे स्टेशन मास्टर स्टेशन कमर्शियल कम टिकट और सीनियर कलर्क कम टाइपिस्ट कमर्शियल कम टिकट कलर्क अकाउंट्स कलर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर्क कम टाइपिस्ट दी 121 असामियों लिए भर्ती लिए प्रवानगी पत्र दे सकते हैं। जमानत तो बाद मानसा परते विधायक डॉक्टर विजय सिंगला चहेते पार्टी वर्करां ने उन्हां दा निघा स्वागत किया है। भ्रिष्टाचार के मामले में जमानत मिलने तो बाद मानसा के विधायक और पंजाब सरकार के सबका सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला अपने मानसा दफ्तर पहुंचे, जिथे उन्होंने चाहने वाले पार्टी वर्कर शहर निवासियों वालों उन्हों का निघा स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही दसते हुए मैं विश्वास है कि जो मसला है उस विच पार्टी साथ देगी तो मैं पाक साफ बाहर आवांगा, इस तरह का उन्होंने बयान दिता है। अगली खबर पंजाब सरकार का नवा फैसला। पंजाब के कलैक्टर रेट में बदलिया जाएगा। उस तो पहले वीडियो में लाइक शेयर और चैनल में सबसक्राइब कर लिया करो ता कि महत्वपूर्ण खबर तुम्हें समय सिर मिलती रहन। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार ने फैसला किया पंजाब के कलैक्टर बदलिया जाएगा, इसलिए हुण तक 8 जिले में काम लगभग मुकम्मल हो चुका है तो बाकी जिले में काम चल रहा है। जिथे जमीन की कीमत ज़्यादा है पर कलैक्टर रेट घट हैं उत्थे ये रेट वधाए जाणगे, जिथे जमीन के रेट घट हैं पर कलैक्टर रेट ज़्यादा ये रेट घटाए जाणगे। पंजाब च जो फुल गैर कानूनी हैं उन्होंने उत्ते कार्रवाई की जाएगी, जिन्हां लोगों ने उत्ते जमीन लै लिया उन्होंने आम लोगों सही सहूलत किवें दित्तियां जाण इस गल उत्ते
काम किया जाएगा। सो ये सन अज दी मुख खबर, उम्मीद है कि तुसी चैनल नूं सबसक्राइब किया होगा। मिलते हैं अगले ताज़ा बुलेटिन के नाल, तद तक दी सत श्री अकाल।